और जिन जिन इलाकों में बढ़ा है उस पर बात होगी। लेकिन जरा दूसरे चरण में एक और महत्वपूर्ण जनपद मुरादाबाद, जहां पर मौजूद है मेरे सहयोगी उबैदुर रहमान। ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है, लोकसभा में यही समाजवादी पार्टी ने अपना झंडा गाड़ा था और इसीलिए 6 में से अगर मैं विधानसभा सीटों की बात करूं तो 2 पर बीजेपी और 4 पर समाजवादी पार्टी। अभी क्या लहर है उबैदुर? जी रूबिका, इस बार जो है वो मुकाबला बहुत कड़ा होता चला जा रहा है। यहाँ पर जो मुरादाबाद में अगर हम बात करें तो पिछली बार जिस तरह से भाजपा 2 सीट लाई थी और सपा 4 सीट लाई थी, तो इस बार देखना होगा। यहाँ हमारे साथ जनता भी है मुरादाबाद की और समाजवादी पार्टी के, भाजपा के और कांग्रेस के नेता भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए, समाजवादी पार्टी को इस बार क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनने वाली है और यहाँ मुरादाबाद से कितनी सीट आने वाली है आपकी पार्टी की? समाजवादी पार्टी को 2017 के अंदर 4 सीटें आई थी और अब के से इंशाल्लाह ताला पूरी की पूरी 6 की 6 सीटें समाजवादी पार्टी मुरादाबाद से जीतने जा रहे हैं। भाजपा वालों से पूछ लेते हैं, आपको क्या लग रहा है इस बार आपकी पार्टी की कितनी सीटें आने वाली हैं, जो पिछली बार 2 आई थी 2017 में, इस बार क्या उम्मीद है? 6 में से कम 4 सीटें जीतेंगे और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। देखिए, पूर्ण बहुमत का दावा कर रहे हैं, जनता से पूछ लेते हैं आपको क्या लगता है इस बार क्या माहौल रहा यहां का, जिस तरह से वोटिंग हुई है दूसरे फेज में? मेरा तो एक ही बात है, सरकार चाहे कोई पार्टी बनाए लेकिन जीत जो है इस बार लोकतंत्र की हुई है और जितने पुरसुकून माहौल में यहाँ पे इलेक्शन हुआ, अब 2 दिन रह गए हैं तो उसका इंतजार कर लें, काउंटिंग के बाद सब पता चल जाएगा। के बाद ये बताइए, आप कांग्रेस से हैं, ये बताइए कांग्रेस को कुछ उम्मीद है? यहाँ पर प्रियंका गांधी की ससुराल है, यहाँ पर आपने सपा के विधायक को चुनावी मैदान में उतार दिया प्रत्याशी बना करके, क्या उम्मीद है? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ी है, पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ी है। अब मैं समझता हूँ बिना कांग्रेस से उत्तर प्रदेश में कोई सरकार बनने वाली नहीं है। कांग्रेस को कुछ न कुछ मिलेगा यूपी में, बिल्कुल निश्चित मिलेगा। और जो उत्तर और जो से बात कर लेते हैं, आप बताइए MIM भी चुनावी मैदान में, आप तो प्रत्याशी हैं मुरादाबाद शहर सीट से, क्या लगता है आपको इस बार? देखिए, इस बार बहुत चौंकाने वाले रिजल्ट मिलने वाले हैं, क्योंकि जनता ने ये देख लिया है कि जब तक विकास के साथ हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तब तक वो काम नहीं बनेगा। तो इस वक्त जो है जनता के दिमाग में यही था जब उन्होंने वोट डाला है कि हमें हिस्सेदारी के साथ विकास चाहिए। वारसी साहब, आप बताइए, शायर हैं आप, अपने अंदाज में बताइए इस बार जो है किसकी सरकार बनने वाली है उत्तर प्रदेश में? वैसे साहब, हमारा काफिला लूटा है रहबरों ने कशिश, शऊर इतना तो हम राहगीर रखते हैं। ये बात हम कहेंगे कि सियासत सबने करी है, लेकिन हम सूफियों की, शायरों की, पत्रकारों की बात किसी ने नहीं करी है। मैं यह अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार किसी की भी आए लेकिन सूफियों का दर्द, शायरों का दर्द समझे। से क्या उम्मीद है अभी थोड़ी देर में एग्जिट पोल आने वाला है, क्या लगता है आपको परिवर्तन हो रहा है क्या? एग्जिट पोल तो बंगाल में भी आया था और जगहों पे भी आया था, एग्जिट पोल पे तो हम लोग यकीन नहीं करते हैं। बात तो जनता की है, जनता ने वोट दिया है। किसको दिया है, क्या लग रहा है? देखिए, इस बार मुरादाबाद की जहां तक मैं बात कर रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस बार समाजवादी पार्टी का वोटर बहुत बड़ी तादाद के अंदर निकला है। समाजवादी पार्टी का माहौल बन रहा है, आपको क्या लगता है इस बार कैसा रहा है यहाँ पर वोट? देखिए, लोगों ने बहुत ज्यादा दिलचस्पी ली है और मैंने देखा इस बार महिलाओं ने बहुत वोट किया है। पहली बार ऐसा हुआ है जब महिलाओं ने वोट प्रतिशत ज़्यादा हुआ, और हम तो यही चाहेंगे जो भी सरकार बने वो मुरादाबाद के जो लोकल इश्यूज़ हैं, जो मुरादाबाद के आर्टिजन्स के, दस्तकार के इश्यूज़ हैं पिछले 10 साल से, उन पे काम हो और यहाँ पर खुशहाली हो, यहाँ पर विकास हो। आपने हर एक चेहरे को, हर एक आवाज को उबैदुर स्क्रीन पर ला दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 47% मुसलमान है वहां मुरादाबाद में, जहां उबैदुर इस वक्त मौजूद है, और ये बता दूं आपको, एक भी हिंदू कैंडिडेट समाजवादी पार्टी ने नहीं उतारा है वहां पर। ST हसन साहब जो है वहां के सांसद है, और ऐसे में वहां मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो जाता है। ABP News आपको रखे आगे।